हेलो फ्रेंड्स, आज मैजिकल क्रिएशन बाय मंजुश्री में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर से एक मंडाला आर्ट सिखा रही हूँ, वेरी इजी। मैंने देखिए एक पेपर लिया, उसको लंबाई में निशान लगा लिया सेंटर में, फिर 5 सेंटीमीटर का एक सर्किल बनाया है और उसके अंदर एक 3 सेंटीमीटर का बनाया है, 3 सेंटीमीटर रेडियस मैंने लिया है। फिर उसी में मैंने देखिए 5 सेंटीमीटर का दूसरा सर्किल बनाया और उसके अंदर फिर 3 सेंटीमीटर का सर्किल बनाया। जो सर्कल्स हैं देखिए ओवरलैप कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, इन सर्कल्स को हमें जैसे चेन होती है ना, एक के अंदर एक फंसा हुआ, उस तरीके से बनाना है। तो देखिए मैंने एक तरफ से इसको रब किया है, एक तरफ से एक रिंग ऊपर आ रहा है तो वही रिंग दूसरी तरफ नीचे जा रहा है। देखिए दोनों इसमें जब रिंग बनाया हमने तो उसमें हमने अंदर 1/2 सेंटीमीटर पर निशान लगा लिया है और उसके बाद हमने कंपास से सर्कल बना दिए हैं। और देखिए पहले रब कर लिया था तो कितना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक दूसरे के अंदर रिंग्स फंसे हुए हैं। देखिए बिल्कुल सही से नज़र आ जाएगा। अब हमने 5.2 सेंटीमीटर और ले लिया है, जो हर एक को निशान लगाया है 1/2 सेंटीमीटर पे, ये 0.25 पे निकल रहा है। अब हमने डी लिया अपना और देखिए इस पर 10 डिग्री पे हमने निशान लगा लिया। पहले हम एक सर्कल का निशान लगाएंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। अब फिर देखिए सेंटर से इसको ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन जो सर्कल के अंदर का हिस्सा है सिर्फ वही ज्वाइन किया जाएगा, इससे बैंगल का पूरा शेप आ जाए, रिंग का शेप आ जाए। ये देखिए हम जल्दी जल्दी ज्वाइन कर दे रहे हैं सेंटर पॉइंट और जो हमने निशान लगाया 10 डिग्री पे वहाँ से। मुझे बहुत मज़ा आता है मंडाला आर्ट बनाने में, आई थिंक आप भी इंजॉय करते होंगे। देखिए हमने 10 डिग्री पे बना लिया, क्योंकि मंडाला आर्ट का मेन जो है इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि जब तक आप ग्रिड नहीं बनाते हो तब तक आपका अच्छा नहीं बनता है। अब देखिए हम सेकंड सर्कल में भी उसी तरीके से 10 डिग्री पे एंगल्स लगा रहे हैं और लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको और क्लियर हो जा रहा होगा कि ये कैसे ओवरलैप किया है, एक के अंदर एक रिंग्स फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों। पॉइंट्स हमने हटा दिए हैं, अब हमने आउटर रिंग को एक, वैसे तो इसके लिए हमको माइक्रोन पेन यूज़ करने चाहिए जो वाटरप्रूफ होते हैं, लेकिन आपके पास नहीं है तो आप जेल पेन यूज़ कर सकते हैं। बस ये है, पानी लग जाए तो फैलने का डर होता है। अब देखिए हर एक ग्रिड में हमने एक एक यू बना लिया और इसको हमने डबल कर दिया है और इसके बीच में एक लाइन बना रहे हैं। अब ऊपर की तरफ देखिए हमने नेगेटिव पार्ट ब्लैक कर दिया है। दोनों रिंग्स में सेम डिजाइन बना रहे हैं।
दोनों रिंग्स में सेम डिज़ाइन बनाए। अब देखिए हम सेकंड पैटर्न बना रहे हैं, लीफ की तरह पैटर्न बना रहे हैं। एक एक 10 डिग्री का जो बनाया है उसमें हम एक एक लीफ बना रहे हैं, लाइंस खींच दे रहे हैं। ऊपर के बचे हुए हिस्से में हम नेगेटिव बना दे रहे हैं, ब्लैक कर दे रहे हैं उसको। दोनों रिंग्स को हम इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, एक जैसा बनाना है। हाफ एन आवर में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। आप घर बैठे इसे पेंसिल से भी बना सकते हैं, इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं आ रहा है ज़्यादा, और इजीली आपका बन जा रहा है और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगता है। आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है। सेकेंड रिंग में भी इसी तरह बनाया। थर्ड में देखिए सेंटर पार्ट हम ले करके बना रहे हैं और लाइंस को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर देखिए 5 पेटल्स बना करके एक फ्लावर जैसा बना दे रहे हैं और बचा हुआ पोर्शन को ब्लैक कर दे रहे हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। देखिए जहाँ ओवरलैपिंग होती है वहाँ एक हिस्सा ज़्यादा काला दिखाई देता है, ब्लैक ज़्यादा दिखता है, शेड आता है। देखिए हमने वहाँ पे शेडिंग करी, ऑर्डिनरी जो सिंपल पेंसिल थी उससे लेके हमने किया है। कॉटन बर्ड से इसको हम स्प्रेड कर दें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ आपके कमेंट्स से, और मैं इससे भी और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। शेडिंग से ही और अच्छा लगने लगता है, शेड ज़रूर करिएगा। थैंक यू।